वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है। आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है, हमारे इस भारत वर्ष को बचाया है। मैं जानता हूं आपको कितनी दिक्कतें आई हैं, किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने जाने की परेशानी, कोई घर परिवार से दूर है, लेकिन आप देश की खातिर एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं आप सबको आदरपूर्वक नमन करता हूं। हमारे संविधान में जिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया की शक्ति की बात कही गई है, यही तो है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम भारत के लोगों की तरफ से अपनी सामूहिक शक्ति का ये प्रदर्शन, ये संकल्प बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब का जीवन हमें हर चुनौती को अपनी संकल्प शक्ति और परिश्रम के बलबूते पर पार करने की निरंतर प्रेरणा देता है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को नमन करता हूं। साथियों, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग त्योहारों का भी समय है, और वैसे भी भारत तो उत्सवों से भरा रहता है, उत्सवों से हरा रहता है, उत्सवों के बीच खिलखिलाता रहता है। बैसाखी, पोहेला बैशाख, पुथांडू, बोहाग बिहू, विशू के साथ अनेक राज्यों में नए वर्ष की शुरुआत हुई। लॉकडाउन के इन बंधनों के बीच मैं देश के लोग जिस तरह नियमों का पालन कर रहे हैं, जितने संयम से अपने घरों में रहकर त्योहार बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मना रहे हैं, ये सारी बातें बहुत ही प्रेरक हैं, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं नए वर्ष पर आपके, आपके परिवारजन के उत्तम स्वास्थ्य की